Hi everyone, this is me Ankita Kabra, and again I welcome you all to the class. So today we are going to start the reactions of aldehyde and ketones with nucleophile. Okay, so we're going to see number of reactions with nucleophile. So first of all, we will see what is happening when nucleophile will attack your carbonyl compound. Okay, so just remember that reactions with nucleophile, that means we are using nucleophilic reagents, right? So जब ये nucleophilic reagents हमारे carbonyl compound पे attack करते हैं, right? तो carbonyl compound is already a polar group, right? तो oxygen is much more electronegative than carbon, so oxygen acquire partial negative charge and carbon acquire partial positive charge, right? And nucleophile has lone pair of electrons. ओके या फिर दे आर इलेक्ट्रॉन रिच सो ये किस पे अटैक करेंगे दे विल अटैक योर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ओके वो कहां पे अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेंगे एंड दे विल फॉर्म अ बॉन्ड विद दैट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सो ये आपको दिख रहा है कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बन गया राइट एंड बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन तो इट टेक अप दिस इलेक्ट्रॉन एंड गेट ओ नेगेटिव Right, so this is alkoxide ion, which is also known as tetrahedral intermediate. This is the intermediate which is formed in between the reaction. Okay, so after this, अभी ये O negative तो रह नहीं सकता ना. It needs H positive proton चाहिए इसे. तो हम यहाँ पे proton देंगे. Reaction will be much more faster. ठीक है? और यहाँ पे आ जाएगा O negative H positive. ठीक है? तो यहाँ पे आपका बन गया एडिशन प्रोडक्ट दिस इज योर एडिशन प्रोडक्ट दिस इज योर अडक्ट सो जब हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट अटैक करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड पे तो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होती है ठीक है न्यूक्लियोफाइल हमारा कार्बोनिल कंपाउंड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा ओके ओ निगेटिव हो जाएगा और फिर उस ओ निगेटिव के पास क्या आएगा एच पॉजिटिव So this is our addition reaction. तो अभी हम actually reactions देखते हैं कि कैसे proceed होती है, okay? With number of nucleophilic reagent. So the first reaction is addition of hydrogen cyanide. ठीक है, hydrogen cyanide हम add करेंगे to the carbonyl compound, aldehyde और ketone, okay? And hydrogen cyanide is HCN. ठीक है? तो दिस रिएक्शन इज बेस्ड कैटलाइज्ड रिएक्शन ठीक है हम इस रिएक्शन में बेस यूज करेंगे एज अ कैटलिस्ट तो जब हम HCN को OH नेगेटिव के साथ ट्रीट करेंगे जस्ट बिकॉज वी आर यूजिंग बेस बेस मतलब OH नेगेटिव तो जब ये OH नेगेटिव HCN के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा दिस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन ठीक है क्योंकि वो बेस है एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O तो हमारे पास क्या बचा हमारे पास बचा CN नेगेटिव नाउ दिस इज न्यूक्लियोफाइल राइट तो अभी ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे अभी यहाँ पे ये अल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है ठीक है दिस इज अ जनरल रिएक्शन इट कैन बी अल्डिहाइड इट कैन बी कीटोन तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये बन जाएगा ओ निगेटिव और कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव तो पॉजिटिव कार्बन के पास क्या जाएगा सी एन नेगेटिव जाएगा राइट तो ये देखो CN नेगेटिव के साथ कार्बन ने बॉन्ड बना दिया दिस इज योर टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ओ नेगेटिव अभी ये ओ नेगेटिव को प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब लाइक प्रोटॉन हम एक्ट करेंगे प्रोटॉन वहां पर आएगा एंड प्रोटॉन विल गो टू दैट ओ नेगेटिव टू फॉर्म साइनोहाइड्रीन और ये जो कंपाउंड बनेगा दिस इज द अल्टीमेट एडिशन प्रोडक्ट इज योर साइनोहाइड्रीन ठीक है तो aldehyde and ketone reacts with hydrogen cyanide to yield cyanohydrines remember this thing ठीक है आई होप रिएक्शन आपको समझ में आ गई है कैसे प्रोसीड हो रही है फाइन अभी हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं हाउ मतलब टेकिंग aldehyde टेकिंग डिफरेंट कीटोन्स हाउ द cyanohydrines आर फॉर्म ओके सो ओके दिस इज आवर एसिटाल्डिहाइड CH3CHO एडिशन ऑफ HCN नाउ यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एडिशन कैसे हो रही है यू डोंट नीड टू मेमोराइज दैट प्रोसेस की वो कैसे जा रहा है पहले बेस आएगा फिर H2O बनेगा फिर CN अटैक करेगा फिर H अटैक करेगा ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए ठीक है रिएक्शन में लिखने की जरूरत नहीं होती ये सारी चीज है ठीक है तो एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद HCN
तो अभी मैंने जैसे बोला ये बेस कैटेलाइज्ड है, तो वी आर यूजिंग बेस, ठीक है, OH नेगेटिव। तो अभी यहाँ पे HCN में क्या है, एडिशन है, तो कंप्लीट रिएजेंट का एडिशन हो जाएगा, राइट। दिस इज CN नेगेटिव, H पॉजिटिव, राइट। और यहाँ पे ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये इसके पास जाने के बाद क्या हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा और कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव के पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव जाएगा, राइट। तो कार्बन को कौन बॉन्ड करेगा, CN बॉन्ड करेगा, ठीक है। और ये O नेगेटिव है, इसके पास क्या जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका OH। तो ये हो गया आपका CH3CHCN और यहाँ पे OH, तो दिस इज योर एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, ठीक है। आपको यही से याद करना है कि H जाएगा नेगेटिव ऑक्सीजन के पास और CN नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव कार्बन के पास, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के पास, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर हियर। इसके बाद अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, तो ये जो CN साइनोहाइड्रीन हमारा बना है, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। और अगर हम इसका रिडक्शन करें तो ये बन जाएगा प्राइमरी अमाइन। तो ये जो CN है ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, और ये जो CN है ये CH2NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आगे की रिएक्शन है, ठीक है, हियर रिडक्शन इज देयर, LiAlH4, NaBH4 अगर आप साइनोहाइड्रीन को ट्रीट कर रहे हैं विद दिस रिएजेंट, तो ये बनाएगा अमाइन, ओके, और हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो एसिड। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। इफ वी टेक एसीटोन, अगर हम एसीटोन लेते हैं तो सेम चीज होगी, ये यहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव के बाद CN नेगेटिव जाएगा, राइट right? तो ये देखो CN नेगेटिव चला गया और O नेगेटिव के पास H पॉजिटिव जाएगा, ये आ गया OH, दिस इज योर एसीटोन साइनोहाइड्रीन, राइट। So this is the examples where we form cyanohydrines. Okay, you can take number of examples. Reaction aise hi proceed hogi. Hydrogen to the oxygen, Cl negative to the electrophilic carbonyl carbon. Aise hi jayegi har reaction. ठीक है? बस ये वाला concept याद रखिएगा. Acid और amine वाला. Addition of sodium bisulfite. Now what is sodium bisulfite? So this is NaHSO3. ओके तो जब ये एल्डिहाइड और कीटोन पे अटैक करते हैं तो हमें फिर से एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, तो वी विल सी हाउ दिस इज, ओके। सो अभी देखो ये बॉन्ड कार्बोनिल कंपाउंड है, दिस कैन बी एल्डिहाइड, कीटोन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा O नेगेटिव और ये हो जाएगा C पॉजिटिव। अभी लाओ दिस इज NaHSO3, तो Na पॉजिटिव, HSO3 नेगेटिव, ओके तो Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव किसके पास जाएगा, फिर ऑक्सीजन के पास जाएगा, राइट। तो ये बन गया ONa, ओके, और ये है HSO3 नेगेटिव, तो ये किसके पास जाएगा, पॉजिटिव सेंटर के पास जाएगा, राइट। तो ये गया आपका कार्बन के पास, फाइन। तो ये हो गया SO3H, ओके। नाउ अभी होगा यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर ऑफ दिस हाइड्रोजन टू हियर, क्योंकि ये तो सॉल्ट है ना, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, दिस इज सॉल्ट, वी डोंट नीड सॉल्ट, राइट। तो ये H यहाँ पे आएगा और Na यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये H ऑक्सीजन के पास आएगा और ये सोडियम यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये देखो SO3Na और OH, दिस इज योर बायसल्फाइट एडिशन कंपाउंड, सो दिस इज योर फाइनल कंपाउंड, फाइन। तो ये चीज आपको याद रखनी है, पहले Na ऑक्सीजन के पास जाएगा और फिर प्रोटॉन ट्रांसफर से हाइड्रोजन नीचे आएगा और NaSO3 के पास जाएगा, ओके। नाउ दिस रिएक्शन आर रिवर्सिबल रिएक्शन, यू कैन जनरेट योर ओरिजिनल एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय रिएक्टिंग योर एडिशन प्रोडक्ट विथ योर एसिड, डायल्यूट HCl और एनी ऑफ द अदर कंपाउंड, दिस रिएक्शन आर द reversible one, okay. So now when acetaldehyde is treated with sodium bisulfite, तो अभी हम direct देखते हैं what directly क्या होगा, ठीक है। तो oxygen के पास just transfer this hydrogen,
ओके और बाकी का जो ग्रुप है SO3Na दैट विल गो टू द कार्बन. ठीक है, ये देखिए एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बन गया, CH3CH ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ गया और SO3Na. इफ वी टेक द एसीटोन तो सेम चीज होगी, हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास एंड द रिमेनिंग SO3Na विल गो टू द कार्बन. तो दिस इज योर एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड. ओके, यही चीज आपको याद रखनी है, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के पास. ओके, जस्ट रिमेम्बर दिस थिंग. द रिएक्शंस आर वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. ओके, अभी क्योंकि एडिशन है तो कंप्लीट रिएजेंट एड होगा, देयर विल बी नो एलिमिनेशन. ठीक है, क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन है. ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो जो भी आप रिएजेंट यूज करोगे वो सारा की सारा एड होगा. देयर विल बी नो सब्स्टिट्यूशन, देयर विल बी नो एलिमिनेशन. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल्स टू योर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स टू अ कार्बोनिल कंपाउंड, राइट. तो अभी जब अल्डिहाइड और कीटोन अल्कोहल के साथ रिएक्ट होते हैं या अल्कोहल जब अल्डिहाइड और कीटोन पे एड होता है, तो फर्स्टली दिस रिएक्शन हैपन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl. ठीक है, तो पहला कंपाउंड जो हमें मिलेगा दैट इज हेमी एसिटिल. ओके, अल्कोक्सी अल्कोहल जिसे बोलते हैं, एंड नेक्स्ट वी विल गेट एसिटिल. ओके, सो ये देखो, दिस इज अ अल्डिहाइड RCHO. व्हेन दिस अल्डिहाइड इट रिएक्ट्स विद फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा O नेगेटिव C पॉजिटिव. अभी यहाँ पे RO नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, तो H किसके पास जाएगा, H विल गो टू दिस ऑक्सीजन, OH बन गया, राइट. और ये है RO नेगेटिव अल्कोक्सी ग्रुप, अल्कोक्साइड आयन, राइट. तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा पॉजिटिव कार्बन के पास, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन के पास. ओके, एंड दैट विल फॉर्म बॉन्ड विद दिस OR. ओके, तो ये कार्बन ने OR के साथ बॉन्ड बना दिया, तो दिस इज योर हेमी एसिटल अल्कोक्सी अल्कोहल. ठीक है, ये बन गया आपका पहला हेमी एसिटल, जिसको हम बोलते हैं अल्कोक्सी अल्कोहल बाय रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड विद सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल. अभी जब इस हेमी एसिटल पे एक और अल्कोहल का मॉलिक्यूल हम एक्ट करेंगे, ठीक है, रिएक्ट करेंगे, तब क्या होता है. अभी देखिए व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये तो ओआर बन गया, राइट. तो अभी क्या होगा, दिस हाइड्रोजन क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ओके, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे एक्ट करेगा ऑक्सीजन पे, राइट. और ये बन जाएगा ओ एच टू, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, राइट. अभी क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन तो स्टेबल नहीं है ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो कार्बन है ना ये यहाँ से बॉन्ड ले लेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा फ्रॉम द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और ये निकल जाएगा एज H2O. ठीक है, ये H2O करके बाहर निकल गया. अगर ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहा है तो कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, राइट. ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बन जाएगा, और फिर इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे ये RO नेगेटिव अल्कोक्सी ग्रुप अटैक करेगा टू फॉर्म एसिटिल. समझ में आया. देखिए पहले क्या हो रहा है, पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल आया, उसने अटैक किया, राइट. तो उसमें से जो हाइड्रोजन है दैट विल गो टू योर ऑक्सीजन ओ नेगेटिव, और जो आपका अल्कोक्सी ग्रुप है आर ओ नेगेटिव जो ग्रुप है दैट विल गो टू योर कार्बोनिल कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन. तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोक्सी अल्कोहल एंड और हेमी एसिटल, राइट. उसके बाद हमने इस हेमी एसिटल पे एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल को रिएक्ट किया, तो ये है आर ओ नेगेटिव एच पॉजिटिव. एच पॉजिटिव है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है. तो एच पॉजिटिव किसके पास जाएगा, फिर ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ये बन गया ओ एच टू, राइट. ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. अभी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बाहर निकल जाएगा एज H2O. तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो कार्बन तो पॉजिटिव हो गया ना, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया,
अभी इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे कौन अटैक करेगा? आर ओ निगेटिव अल्कोक्साइड आयन, ठीक है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये हो गया आपका एसिटिल। समझ में आ गया सबको? सेम चीज होगी कीटोन के साथ, कीटोन जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास, अल्कोक्साइड आयन जाएगा कार्बन के पास, तो ये है ओ आर निगेटिव और ओ एच, तो ये है हेमिकिटिल। ओके, अभी फिर से एक अल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा, एच किसके पास गया? ऑक्सीजन के पास गया, ओ एच टू बना, ओ एच टू बाहर निकल गया, राइट, और यहाँ पे फिर ओ आर ओ निगेटिव विल गो टू दिस कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, और ये बन गया आपका किटिल। ठीक है, किटोन है इसलिए किटिल, और वो एल्डिहाइड है इसलिए एसिटिल। आई होप आप समझ गए हो। ओके, तो ये चीज हो रही है व्हेन वी एड अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, अभी हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं बाय टेकिंग द एग्जांपल्स की रिएक्शन कैसे हो रही है। फाइन, ओके, एसिटाल्डिहाइड CH3 C double bond O H, ठीक है, when this acetaldehyde reacts with two molecule of ethyl alcohol, ठीक है, अभी हम सिंगल सिंगल लेके कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ट्वाइस C2H5OH भी लिख सकते हैं बिकॉज वी आर टेकिंग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिल अल्कोहल, ओके, HCl। अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो पहला क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, H किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास जाएगा, राइट, तो ये CH3, हियर इट इज H कार्बन, और यहाँ पे आ जाएगा ओ एच, और यहाँ पे आ जाएगा C ऑक्सीजन C2H5, राइट, तो दिस इज योर हेमी एसिटिल। ये क्या है? दिस इज योर हेमी एसिटिल। नाउ दिस हेमी एसिटिल विल रिएक्ट विद अनादर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, राइट, तो अभी इसमें क्या हो रहा है, देखो फिर से आएगा दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल, तो ये यहां से आपको OH निकालना है विथ दिस H, और यहाँ पे अल्कोक्सी लिखना है, सिंपल सी चीज है, CH3 H C O C2H5, और यहां पे भी O C2H5, राइट, सो दिस इज योर एसिटिल, दिस इज योर एसिटिल। तो इसी तरीके से अल्कोहल लेके वो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट होते हैं। अंडरस्टूड? जब आप सेकेंड अल्कोहल का मॉलिक्यूल लोगे तो जस्ट रिमेम्बर OH यहां से और एक हाइड्रोजन अल्कोहल से, तो ये रिमूव हो जाएगा एज H2O, बचा क्या फिर हमारे पास C2H5O निगेटिव, तो वो यहाँ पे आके अटैक कर देगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा, राइट, तो ये है आपका एसिटिल। फाइन, अभी हम कीटोन के साथ लेके करते हैं, कीटोन के साथ देखते हैं कि क्या हो जाएगा। ओके, अभी हम यहां पे भी एक चीज कर सकते हैं, देखो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग दिस। ओके, ये जो एच है, दिस एच विल कंबाइन विद दिस ओ एच, रिमूवल ऑफ H2O, और जो बचा हुआ ग्रुप है आर ओ निगेटिव वो कार्बन पे जाके अटैक कर देगा और बॉन्ड बना देगा। ओके, तो काफी सिंपल है, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। फाइन, कीटोन के साथ देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग विद कीटोन। CH3 एसीटोन, ओके, C डबल बॉन्ड O। नाउ consider if this ketone is react with 1,2-diol, okay, 1,2-diol के साथ अगर ये react हो रहा है तो क्या होगा, OH
ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे अभी दो मॉलिक्यूल नहीं लगेंगे हमको, बिकॉज हमारे पास दो हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑलरेडी है इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, तो यहाँ पे दो अल्कोहल नहीं लगेंगे, यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस ऑक्सीजन विल कंबाइन विद दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, और ये निकल जाएगा एज H2O. ये H2O करके बाहर निकल गया. अभी हमारे पास क्या बचा है, अभी हमारे पास है CH3. हियर इट इज CH3, यहाँ पे है C, और ये जो ऑक्सीजन निकल गया तो कार्बन की दो वैलेंसी ओपन हो गई है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2, एंड दिस CH2 एंड CH2 आर बाउंडेड, राइट. सो ये साइक्लिक बन गया है, सो दिस इज योर साइक्लिक किटल, ठीक है, ये क्या बन गया है, साइक्लिक किटल. सो इन दिस वे साइक्लिक किटल्स आर फॉर्म. ओके, व्हेनेवर इफ वी आर यूजिंग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, वी रिक्वायर्ड टू अल्कोहल मॉलिक्यूल्स. व्हेनेवर वी आर यूजिंग डायहाइड्रिक अल्कोहल, वी रिक्वायर सिंगल अल्कोहल मॉलिक्यूल, क्योंकि अल्टीमेटली हमको दो अल्कोक्सी ग्रुप वहां पे चाहिए जो हमको यहाँ पे मिल गए. ओके, सो आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल लेके इस रिएक्शन को ट्राई कर सकते हैं, जस्ट रिमेम्बर जनरल रिएक्शन, ठीक है. सो नेक्स्ट रिएक्शन इज विद एडिशन ऑफ गिनार्ड रिएजेंट. नाउ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद गिनार्ड रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट, और फिर उस एडिशन प्रोडक्ट का हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे जो हमको देगा बाद में अल्कोहल, ठीक है. तो अभी जनरल रिएक्शन देख लेते हैं. अभी ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, दिस कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. एंड दिस इज अवर गिनार्ड रिएजेंट RMGX, ठीक है, R पॉजिटिव, MGX नेगेटिव, राइट. और ये बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा. तो अभी पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, सॉरी दिस इज MG पॉजिटिव ना, ये R यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज योर MG पॉजिटिव. ओके, जस्ट करेक्टेड. तो अभी ये R जाएगा टू योर कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक, एंड दिस MGX विल गो टू योर ऑक्सीजन नेगेटिव, राइट. रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर. तो एडिशन प्रोडक्ट कैसा बना, दिस इज योर C, एंड दिस इज C ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, अल्किल ग्रुप के साथ फ्रॉम गिनार्ड रिएजेंट, ठीक है. दिस अल्किल ग्रुप इज फ्रॉम गिनार्ड रिएजेंट, और यहाँ पे है आपका ऑक्सीजन विच इज बाउंडेड टू योर MGX, राइट. तो ये बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट. इस एडिशन प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे, हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है. हम क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O पॉजिटिव. Now what is happening, H2O positive add कर रहे हैं, मतलब we are adding H2O in presence of acid. तो ये bond cleave हो जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पर OH. तो अभी हमारा main product कौन सा बन गया है, C, यहाँ पे है आपका R, right, और यहाँ पे क्या आ गया OH. तो what is it, it is alcohol, right, plus MGX, MGX और OH. तो जब आप एल्डिहाइड और कीटोन गिनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करोगे तब क्या बनता है, तब बनता है अल्कोहल. क्या बनता है, अल्कोहल. समझ में आ गया सबको. अभी डिपेंड करता है कि आप कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन यूज कर रहे हो उस पे कि कौन सा अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी बनेगा. दैट डिपेंड which type of carbonyl compound we are using. Okay, तो वो अभी हम देखते हैं. I hope general reaction सबको समझ में आ गई है, ठीक है. So देखिए, जब हम formaldehyde use करेंगे, when we used methanol and treated it with Grignard reagent in presence of dry ether, ठीक है, तो R किसके पास जाएगा, R will go to this carbon and MGX will go to this oxygen. तो OMGX and RCH2. फिर हमने हाइड्रोलिसिस किया,
फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन के पास एच आएगा, यहाँ पे ओ एच आएगा, तो ये बन गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो हमें कौन सा एल्डिहाइड लेना पड़ेगा? वी हैव टू यूज फॉर्मल्डिहाइड, वी हैव टू यूज मिथानल। ठीक है, अगर हमको इथेनॉल बनाना है, अगर हमको प्रोपेनॉल बनाना है, अगर हमें ब्यूटेनॉल बनाना है, विच आर प्राइमरी अल्कोहल, तो हम कौन सा एल्डिहाइड लेंगे? वी विल टेक फॉर्मल्डिहाइड, वी विल टेक मिथानल। ठीक है, और जो भी ग्रुप आपको फिर चाहिए वो हम गिनार्ड रिएजेंट में डाल सकते हैं, राइट? लेकिन अगर हम फॉर्मल्डिहाइड इज ऑल्सो एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड इज ऑल्सो एल्डिहाइड, ठीक है, लेकिन जब आप फॉर्मल्डिहाइड लोगे तभी प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हो, लाइक एसिटाल्डिहाइड या फिर प्रोपियोना एल्डिहाइड, तो कौन सा अल्कोहल बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, क्योंकि इस कार्बोनिल कार्बन पे अल्डिहाइड में ऑलरेडी आर ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, एसिटाल्डिहाइड फॉर्मल या प्रोपियोना एल्डिहाइड में, राइट? और ये आर ग्रुप और इस कार्बन पे जाएगा, राइट? तो नाउ दिस कार्बन इज अटैच्ड टू टू अदर कार्बन एटम, दैट्स व्हाई इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। रिमेम्बर दिस थिंग, यहाँ पे MgX फिर से ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ये बन गया आपका OMgX, दिस इज आर आर, फिर ये बॉन्ड क्लिव होगा, फिर यहाँ पे H, यहाँ पर OH, ओके? सो नाउ दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल और यहाँ पे MgOHX। नाउ योर कीटोन इज हियर, जब आप कीटोन के साथ गिनार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करोगे तो कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पे ऑलरेडी दो अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। एक अल्किल ग्रुप कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा फ्रॉम गिनार्ड रिएजेंट, ठीक है, तो ये बन गया आपका टर्शरी, बिकॉज द कार्बन इज अटैच टू थ्री अदर कार्बन एटम, है ना? फिर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर यहाँ पे एच और यहाँ पर ओ एच, तो दैट विल लीड टू टर्शरी अल्कोहल। ओके, सो दिस इज MgOHX। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अगर आपको टर्शरी अल्कोहल बनाना है तो हम कीटोन लेंगे, अगर हमें सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो हम अल्डिहाइड लेंगे, लेकिन अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर फॉर्मल्डिहाइड रहेगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल ही बनाएगा। ओके, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, एसीटोन CH3, CH3। नाउ दिस इज कीटोन, एंड व्हेन दिस कीटोन इज ट्रीटेड विद गिनार्ड रिएजेंट तो कौन सा अल्कोहल बनेगा? टर्शरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो अभी कंसिडर कीजिए दिस इज ट्रीटेड विद CH3 मिथिल मैग्नेशियम आयोडाइड। ठीक है, ठीक है, सो नाउ दिस CH3 विल गो टू दिस कार्बन, राइट? बिकॉज ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, और MgI किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास, राइट? तो ये बन गया CH3, CH3। कार्बन यहाँ पे ओ MgI, MgI, और यहाँ पे आएगा आपका CH3 ग्रुप। नाउ द CH3 ग्रुप इज फ्रॉम गिनार्ड रिएजेंट। ठीक है, अभी हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, H3O पॉजिटिव, क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, H OH, सो नाउ हियर इट इज CH3, CH3, सी CH3 OH। ओके, सो नाउ दिस इज योर टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन करनी है। ओके, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर दिस दिस अल्कोहल फ्रॉम गिनार्ड रिएजेंट और फ्रॉम अल्डिहाइड और कीटोन, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको कौन सा अल्कोहल बनाना है, टर्शरी बनाना है, सेकेंडरी बनाना है या प्राइमरी बनाना है। उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा अल्डिहाइड यूज करोगे। एंड इफ क्वेश्चन में आपको अल्डिहाइड दिया है और उसका कन्वर्जन पूछा है, तो आपको
आपको याद रखना है कि प्राइमरी योर फॉर्माल्डिहाइड विल लीड टू प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड और अदर अल्डिहाइड अदर देन फॉर्माल्डिहाइड लीड टू सेकेंडरी अल्कोहल एंड कीटोन विल गिव यू टर्शरी अल्कोहल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? एग्जाम्पल लेके सॉल्व करके देखिएगा, देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल यू कैन टेक एंड सॉल्व दिस आउट। ओके, नेक्स्ट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन मतलब इस रिएक्शन में हैलोफॉर्म्स बनेंगे, ठीक है? सो नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन इज दैट अल्डिहाइड एंड कीटोन विच गिव दिस रिएक्शन मस्ट हैव मिथिल ग्रुप लिंक टू द कार्बोनिल कार्बन एटम। वही अल्डिहाइड और कीटोन आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे जिसके कार्बोनिल कार्बन पे मिथिल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है? दैट कॉल्ड एज मिथाइल कीटोन। ओके, मिथाइल कीटोन्स जिन्हें बोला जाता है। तो कीटोन्स तो दे देंगे क्योंकि कीटोन पे दोनों तरफ अल्किल ग्रुप होते हैं और कीटोन में अगर एक तरफ मिथाइल ग्रुप है तो दैट कीटोन विल गिव यू हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो क्या सारे अल्डिहाइड्स आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे? नहीं, ओनली एसिटाल्डिहाइड इज द अल्डिहाइड विच विल गिव यू हैलोफॉर्म रिएक्शन क्योंकि उसी में कार्बोनिल कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, ठीक है? तो ओनली एसिटाल्डिहाइड। सो कंसिडर कीजिए ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, ओके? इसमें एक वैलेंसी तो आपका मिथिल ग्रुप होना चाहिए तभी ये ग्रुप आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ठीक है? सो नाउ जो मिथाइल ग्रुप है दैट गेट ऑक्सीडाइज टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ओके? तो अभी ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज किससे होगा? बाय सोडियम हाइपोहैलाइड, ओके? सो विल सी द रिएक्शन। देखिए ये एसीटोन है, कीटोन है, मिथाइल कीटोन है, मतलब कार्बोनिल कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, अटैच्ड है, राइट? व्हेन दिस ट्रीटेड विद आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सबसे पहले तो ये I2 और NaOH मिला के दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइपोहैलाइड NaOI, ठीक है? और जब ये वाला इस कीटोन पे अटैक करता है तो ये जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा टू योर, ये जो बचेवा ग्रुप है CH3CO ग्रुप दैट विल गेट ऑक्सीडाइज टू सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड CH3COONa, और जो ये मिथाइल ग्रुप है दैट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट, येलो कलर प्रेसिपिटेट विथ आयोडीन CHI3, ओके? सो दिस इज योर आयोडोफॉर्म। ये क्या है आपका? आयोडोफॉर्म। दिस आर द बाय प्रोडक्ट, NaI H2O आर द बाय प्रोडक्ट। जस्ट रिमेम्बर जो मिथाइल ग्रुप आपका है दैट इज कन्वर्टेड टू हैलोफॉर्म, वो बनाएगा आपका हैलोफॉर्म। आयोडोफॉर्म इज येलो इन कलर, ठीक है? तो ये प्रेसिपिटेट बनता है। एंड जो रिमेनिंग ग्रुप है, रिमेनिंग अल्किल ग्रुप विथ योर कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, दिस ग्रुप गेट ऑक्सीडाइज टू सोडियम सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एसिड, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ ये जो ग्रुप, ये जो एसिड आपका बनेगा इसमें एक कार्बन एटम कम होगा देन योर पैरेंट कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका तो आयोडोफॉर्म बन गया ना, तो इसमें एक कार्बन कम है, राइट? यहाँ पे तीन कार्बन है, इन योर एसिड देयर आर ओनली टू कार्बन, तो ये चीज याद रखना, वन कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सो दिस इज योर हैलोफॉर्म रिएक्शन। द रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय द कार्बोनिल कंपाउंड इन विच कार्बोनिल कार्बन एटम इज अटैच टू एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप, ठीक है? कुछ अल्कोहल्स भी है जो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, ओके? लेकिन वो अल्कोहल आफ्टर ऑक्सीडेशन दे विल लीड टू मिथाइल कीटोन्स, वही अल्कोहल आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अभी देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हम ऐड कर रहे हैं, ओके? तो यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है और एलिमिनेशन भी हो रहा है, तो हम ये किसके साथ कर रहे हैं? विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव मतलब NH3 इज योर अमोनिया
और जब हम इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे बाय एनी अदर ग्रुप, ओके, तो दैट इज अमोनिया डेरिवेटिव, NH2Z, दिस इज योर अमोनिया डेरिवेटिव, ओके। अब इसके इट्स गेटिंग लेंदी, सो वी विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।